वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स फ्रेंड्स ऑनलाइन क्लासेस। ओके, तो इस वीडियो में हम चैप्टर सेकंड क्लास सिक्स साइंस के पार्ट टू के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट वन में हमने क्या पढ़ा, तो पार्ट वन में हमने डेफिशिएंसी न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, इन सभी के बारे में पढ़ा। अब हम बात करने वाले हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस के बारे में। तो डेफिशिएंसी डिसीजेस का मतलब होता है किसी भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से जो डिसीजेस होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उन्हें डेफिशिएंसी डिसीजेस कहा जाता है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे वीडियो में कहीं भी बीच में आपको डाउट आता है कि कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, जस्ट नीचे जाओ, कमेंट करो और मुझे पता चले कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। इसमें हम लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है बैलेंस डाइट। जब हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ लिया तो अब उसके बाद जो मेन बात आती है वो है बैलेंस डाइट। ठीक है, बैलेंस डाइट क्या कहलाता है? तो अ हेल्दी डाइट और बैलेंस डाइट इज अ डाइट दैट कंटेन द राइट अमाउंट ऑफ ऑल फूड ग्रुप्स। इट इंक्लूड द फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड प्रोटीन। ठीक है, तो बैलेंस डाइट क्या होता है? एक ऐसा डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स कवर हों। ठीक है, क्या हो? सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स कवर हो जाएं, वो कहलाता है हमारा बैलेंस डाइट। प्रॉपर मात्रा में सब कुछ हमें मिले, कुछ प्रोटीन्स मिले, विटामिन्स भी मिले, आयरन की भी चीज मिलती रहे, तो ये जो पूरा खाना होता है, एक पूरी डाइट होती है, उसको क्या कहा जाता है? बैलेंस डाइट। ठीक है, नीचे आपको बैलेंस डाइट का एक फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपको फिगर दिख रहा होगा बैलेंस डाइट के लिए। तो इस तरीके से ये चीजें जब हमारे खाने में इंक्लूड होती हैं तो इसे बैलेंस डाइट कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ओवरवेट की। ये जो डेफिशिएंसी डिसीज नहीं है, ओवरवेट क्या है? डेफिशिएंसी डिसीज नहीं है, बट ओवरवेट भी एक मेजर प्रॉब्लम है जो बैलेंस डाइट ना होने की वजह से आती है। ठीक है, और ओवरवेट होने से हमारी बॉडी को नुकसान क्या होता है? हमारी बॉडी में कई अलग अलग बीमारियां आने लगती हैं, बिकॉज हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक होने लगता है और हमारी बॉडी जो है वो क्या होने लगती है? लेजी। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है, किस वजह से होती है, हमें पता है। ज्यादा फैट वाला हम अगर खाना खाते हैं उससे हमें ओवरवेट होता है, और ओवरवेट होने से हमें हाई कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, इसके अलावा ओबेसिटी, स्लीपिंग एपिना, हार्ट डिजीजेस, ऐसी कई सारी चीजें होने लगती हैं। ठीक है, साथ में हमारा हार्ट जो है वो भी कमजोर होने लगता है, हम थोड़ी सी दूर चलते हैं और जल्दी थक जाते हैं। तो ये सभी चीजें ओवरवेट की वजह से होती हैं। ओवरवेट मतलब ज्यादा फैट गेन कर लेना, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा फैट गेन कर लेना, वो कहलाता है ओवरवेट। अगर हम मान लो प्रॉपर फैट नहीं लेते, ये तो हो गया ज्यादा फैट। अगर हम प्रॉपर फैट ना लें तो भी प्रॉब्लम है। अगर हमें प्रॉब्लम क्या है तो उससे हमें हो जाएंगे अंडरवेट। अंडरवेट क्या होगा? जब हमारी हाइट के अकॉर्डिंग अगर हमारा वेट परफेक्ट नहीं है, कम है, तो उसे क्या कहा जाता है? अंडरवेट। और अंडरवेट होने के भी बहुत सारे नुकसान है, आप सभी जानते हैं। वही प्रॉब्लम्स है कि हम थकने लगते हैं, हमारी बॉडी किसी काम, हम कोई काम कर नहीं पाते हैं। ठीक है, इवन हमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी भी कम होती है, हम थोड़ी बहुत में एलर्जी हो जाती है हमें। ठीक है, जल्दी ही बीमार हो जाते हैं। ये सारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो अंडरवेट की वजह से हो सकती हैं। कॉजेज क्या होते हैं? तो कॉजेज इतने टाइप के हो सकते हैं, सिर्फ एक कॉज नहीं, कई सारी टाइप के कॉजेज की वजह से हम अंडरवेट में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट ना लें, हमारा खाना जो है वो बैलेंस डाइट में ना हो, कुछ क्रॉनिक इलनेस भी होती है, हमें कोई लंबे समय तक अगर हम बीमार रहे हैं तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसके बाद अगर हम ज़्यादा साइकोलॉजिकल में जाते हैं, ये बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती साइकोलॉजिकल इलनेस, लेकिन फिर भी अगर हम किसी चीज़ पर ज़्यादा परेशान रहते हैं, ठीक है, नींद पूरी नहीं लेते हैं, तो उसकी वजह से भी हम क्या हो सकते हैं? अंडरवेट में आ सकते हैं। एग्जैक्टली, मूव करते हैं नेक्स्ट। ये है हमारी डिफिशियंसी डिसीजेस। पूरा चैप्टर मैंने आपको सिंपल से एक छोटे से टेबल में कंप्लीट करके दिया है। वैसे आपके पास ये चैप्टर बहुत लेंदी है, लेकिन आपको उतना ज़्यादा लेंदी याद रखने की जरूरत नहीं है। हम क्या रखेंगे? एक शॉर्ट माइंड मैप की तरह इस चीज़ को याद रखेंगे, ताकि हम इसको डिटेल में कभी भी लिख सकते हैं। लिखना तो आसान है, हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हल्का फुल्का आता है तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, साइंस में उतने ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को माइंड नहीं किया जाता है, लेकिन अगर हमें फैक्ट ही नहीं पता होगा तो हम किसको ओवरवेट, किसको बढ़ाएंगे उसको, किसको लिखेंगे? तो देखते हैं, फैक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले डिसीज होती है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो किसकी वजह से होती है? तो ये होती है विटामिन ए की कमी की वजह से। लेक ऑफ विटामिन ए, लेक का मतलब होता है कमी, तो विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है? हम डिम लाइट में क्लियर नहीं देख पाते। डिम का मतलब होता है कम, ठीक है, स्लो लाइट। तो डिम अगर लाइट थोड़ी सी भी कम है तो हमें क्लियर देखने में प्रॉब्लम आती है। फूड सोर्सेस,
वो सारे फूड सोर्सेज जो विटामिन ए को कंप्लीट करते हैं हमारी बॉडी में, वो सारे इस बीमारी से बचने में हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैरेट, स्पिनिच, फिश, पपाया, फिश लिवर ऑयल एटसेट्रा। साथ में एक कैरेक्टर दिख रहे होंगे क्यूट सा, बहुत सारे बच्चे इनसे जानते भी होंगे। कौन है? यस, पपाया द सेलर मैन, है ना, पपाया द सेलर मैन। इसमें क्या था, इस कार्टून अच्छा आता था, बहुत सारी पावर थी, और इसका जो फूड था जिससे इसको ताकत मिलती थी वो क्या था, स्पिनिच, पालक। जी हाँ, तो पालक में क्या होता है, बहुत सारे आयरन भी अच्छा होता है और कई सारे न्यूट्रिएंट्स विटामिन के भी इसमें मिलते हैं। ठीक है, इसकी वजह से इस एड में स्पिनिच का यूज इस सीरियल में किया जाता था ताकि हम भी वो खाएं। ठीक है, नेक्स्ट है रिकेट्स। ठीक है, तो रिकेट्स क्या होता है, रिकेट्स में हमारे बो लेग्स, नॉक नीज, पिजन चेस्ट, ये तीन सिम्पटम्स होते हैं रिकेट्स के। सिम्पटम्स कैसे होते हैं तो मैं जान लेते हैं। पहला है बो लेग्स। इसमें क्या होता है, जो लेग्स होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं। अभी हमारे लेग्स आपने देखा होगा, अपने लेग्स जो है वो सीधे हैं, लेकिन जब ये बीमारी होती है तो उसमें हमारे लेग्स कुछ इस तरीके के हो जाते हैं, फीट जो है वो टेढ़े हो जाते हैं, जिन्हें बो लेग्स कहा जाता है। ठीक है, बो जैसे हो जाते हैं। इसके बाद आता है नॉक नीज। नॉक नीज में क्या होता है, हमारे जो घुटने हैं वहां से मुड़ना बंद हो जाते हैं और वो क्या हो जाती है, वो भी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है। एंड लास्ट इज अ पिजन चेस्ट। पिजन चेस्ट में क्या होता है, हमारे जो चेस्ट की हड्डियां हैं वो बहुत ज्यादा दिखने लगती हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता था, पिजन पिजन चेस्ट। इसके बाद ये किस वजह से होता है, तो ये विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। इसमें क्या कम हो जाए हमारी बॉडी में, विटामिन डी या फिर कैल्शियम कम हो जाता है, जिससे हमारे जो रिकेट्स हैं उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे बचने के लिए हम क्या करें, तो इससे बचने के लिए हमें इनमें इन फूड्स को गेन करना चाहिए। मिल्क हमें रोज पीना चाहिए, मम्मी बोलती है सुबह से मिल्क पी लो, तो हमें डेली मिल्क पीना चाहिए जिससे हमारी बॉडी में अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। ठीक है, इसके बाद आते हैं गॉटरी। गॉटरी में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो जाती है। थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है, तो हमारा जो सिर होता है, फेस होता है, उसके नीचे जो होता है वो थायराइड ग्लैंड कहलाता है। ठीक है, तो ये थायराइड ग्लैंड का क्या होता है, बढ़ने लगता है और गला का हिस्सा जो है वो फूलने लगता है, उसे क्या कहा जाता है, गॉटरी। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, तो आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से होता है। अगर हमारे खाने में आयोडीन कम होता है तो उसकी वजह से ये होता है, और इससे बचने के लिए हमें आयोडाइज सॉल्ट या फिर सी फूड लेना चाहिए। ठीक है, या तो आयोडाइज सॉल्ट ले सकते हैं जो आयोडीन की एड में आता है, या फिर सी फूड हम ले सकते हैं। वैसे सोर्सेज के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने बहुत डिटेल में बात की थी कि किसके क्या सोर्सेज हैं, बहुत सारे सोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा था, चाहो तो वहां से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स। हमारे जो दांत हैं उसके नीचे जो गम्स हैं वो क्या होने लगते हैं, ब्लीड होने लगते हैं, उनमें से ब्लड निकलने लगता है, साथ में उसमें चोट भी आ जाती है, मतलब बहुत सारे घाव भी बन जाते हैं जो ठीक होने में टाइम लेते हैं। इससे क्या होता है, लेक ऑफ विटामिन सी की वजह से ये होता है। स्कर्वी की वजह से, किसकी वजह से होता है, विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। और इसको कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं, तो रेगुलर इनटेक ऑफ लेमन्स, ऑरेंजेस प्लस गूसबेरीज। गूसबेरीज क्या होती हैं, गूसबेरी कहलाते हैं आंवला। तो आंवला, ऑरेंजेस, लेमन, इन चीज़ों को हम लेके इसके जो डिफिशियंसी है उसको ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनीमिया। ठीक है, तो एनीमिया क्या है, तो एनीमिया फॉल इन द हेमोग्लोबिन लेवल इन द ब्लड एंड वीकनेस। क्या होता है, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और एनीमिया में ये कम होने लगता है। ठीक है, आयरन में, हमारे जब बॉडी में आयरन कम होती है तो रेड ब्लड सेल है वो बनना भी कम हो जाते हैं। ठीक है, और जब रेड ब्लड सेल नहीं बनेंगे तो हमारे बॉडी में जो है वो ब्लड की भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, साथ में वीकनेस आने लगती है, हमारी बॉडी को क्या होने लगती है, वीकनेस आने लगती है। इससे बचने के लिए हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें आयरन अवेलेबल हो, और आयरन अवेलेबल किस में होता है, तो ये रहे स्पिनिच, नट्स एंड पल्सेस। इस तरीके से हम समझ सकते हैं आपके जो कोर्स में डेफिशिएंसी डिसीजन से क्लास 6 में वो यही है। कौन कौन सी, फिर से रिवाइज कर लेते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, गॉटरी, स्कर्वी, एनीमिया। सिम्पटम्स, नाइट ब्लाइंडनेस में क्लियर नहीं दिखता है, रिकेट्स में हमारी जो चेस्ट है बोन्स है वो बो हो जाती हैं। इसके बाद है थायराइड ग्लैंड, ग्रोटरी, तो हमारे जो गले के पास थायराइड ग्लैंड होता है वो फूलने लगता है। स्कर्वी में गम्स, जो हमारे दांत होते हैं ना वो क्या करने तक, ब्लीड होने लगता है, प्लस वहाँ पे घाव हो जाते हैं। और एनीमिया में क्या होता है, हमारे जो रेड ब्लड सेल है वो प्रॉपर नहीं बनते, और हीमोग्लोबिन के हमारे बॉडी में क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। इज दैट क्लियर? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, तो ये हैं कुछ क्वेश्चंस जो हम दोनों वीडियोस से मिक्सअप करके आपके सामने रख रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, दोनों को मिक्स करके इन क्वेश्चंस को दिया गया है।
तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। विच न्यूट्रिएंट्स हेल्प द बॉडी टू ग्रो, दिस इज अवर क्वेश्चन। ठीक है, विच न्यूट्रिएंट्स हेल्प द बॉडी टू ग्रो। प्रोटीन हेल्प्स द बॉडी टू ग्रो। हमने सभी को पता है किस हमारी बॉडी किससे ग्रो होती है, तो प्रोटीन की मदद से हमारी बॉडी ग्रो होती है। नेक्स्ट, व्हाट कॉज द प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन किससे होता है, तो प्रोटीन यहाँ से क्लियर है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, किससे होगा, व्हेन द डेली डाइट ऑफ अ चाइल्ड डज नॉट कंटेन इनफ ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन। जब हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट फैट्स और प्रोटीन इनफ नहीं होते, कम होते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, हमें प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट कॉज द एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था एनीमिया किसकी वजह से होता है, तो डिफिशियंसी ऑफ आयरन कॉजेज एनीमिया। एनीमिया किससे होता है, आयरन की कमी की वजह से एनीमिया होता है। नेक्स्ट, हाउ कम हाउ कैन गोट्री कैन बी प्रिवेंटेड। गोट्री कैसे प्रिवेंट की जा सकती है, तो गोट्री क्या होती है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, गोट्री हमारे थायराइड ग्लैंड के फूलने की वजह से होती है। थायराइड ग्लैंड होता है, उसमें सॉलन आने लगता है। ठीक है, प्रिवेंट कैसे कर जा सकती है, तो ऐसा खाना खाना जिसमें सी फूड और आयोडाइज सॉल्ट अवेलेबल हो, उसे उससे क्या हो सकता है, हमारी गोट्री प्रिवेंटेड हो सकती है। नेक्स्ट, वाई शुड द फाइबर फ्रॉम द फाइबर फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट। हमारा जो डाइट है उसमें फाइबर क्यों होना चाहिए। फाइबर क्या होता है, हमने पिछले चैप्टर में पिछली वीडियो में पढ़ा था। फाइबर क्या होता है, फाइबर प्लांट से मिलने वाला न्यूट्रिएंट्स होता है। प्लांट से मिलने वाला न्यूट्रिएंट्स होता है जो हमारी बॉडी को क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है। तो आंसर में भी देखो यहाँ लिखा है, ये क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है और उसमें से वेस्ट मटेरियल को अलग करता है। नेक्स्ट है, नेम एनी टू फूड आइटम्स रिच इन द पोटेशियम। ऐसे दो फूड आइटम्स के नेम लिखने हैं जो पोटेशियम से रिच हो, ज्यादा पोटेशियम हो, तो कौन कौन से हैं, टोमेटो एंड बीन्स आर द रिच इन पोटेशियम। टोमेटो और बीन्स क्या होते हैं, पोटेशियम से रिच होते हैं, ज्यादा पोटेशियम इनमें पाया जाता है। इज दैट क्लियर, मूव करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज बैलेंस डाइट। इनके आंसर हम थोड़े से बड़े देंगे, वो वन वन लाइन में दिए थे, ये थोड़े से लेंथी आंसर हैं। देखो, तो व्हाट इज बैलेंस डाइट, तो डाइट अभी हमने पढ़ा था, ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में अवेलेबल होते हैं, सारे टाइप के फूड प्रॉपर मात्रा में अवेलेबल होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, बैलेंस डाइट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द डाइट इनटेक फूड विच कंटेन ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड बैलेंस डाइट। इज दैट क्लियर। अब माल न्यूट्रिशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा माल न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें क्या कम हो जाए, जल्दी से बताओ। गुड, जिसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट फैट अगर हम प्रॉपर नहीं लेते, प्रोटीन्स, तो इनकी वजह से जो कमी आती है वो क्या कहलाते हैं, माल न्यूट्रिशन। तो इसमें क्या करना चाहिए हमें, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, सॉरी, तो पहले क्या होता है, वीकनेस, सबसे पहले वीकनेस होती है, हमारे आर्म्स और लेग्स हैं वो बोन की तरह दिखने लगते हैं, मतलब बहुत थिन हो जाते हैं। इसके बाद जो जिसको भी ये हुआ हो, माल न्यूट्रिशन जिसे हुआ, वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, वो सुस्त सुस्त से आलसी से एक जगह बैठे रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, जैसे हम मस्ती करते हैं ना, यहाँ वहाँ घूमते हैं, फुकफुल मस्ती करते हैं, वो ऐसा नहीं करते, वो एक ही जगह पे बैठे रहना पसंद ज़्यादा करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो स्कर्वी क्या होता है, विटामिन सी की कमी की वजह से जो बीमारी होती है उसे क्या कहा जाता है, स्कर्वी। और स्कर्वी में क्या होता है, स्वेलिंग और द ब्लीडिंग गम्स, हमारे जो गम्स है उसमें से ब्लड निकलने लगता है और हमारे जो दांत है वो फूल जाते हैं, मसूड़े जो नीचे होते हैं ना वो फूल जाते हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है। ठीक, इसके बाद है, वाई मस्ट बेबीज बी एक्सपोज टू द सनलाइट। बेबीज को सनलाइट में एक्सपोज क्यों रहना चाहिए, बाहर क्यों दिखाना चाहिए, उन्हें सनलाइट क्यों नहीं दिखानी चाहिए, क्यों दिखाते हैं, देखो, बेबीज शुड बी एक्सपोज टू मॉर्निंग सनलाइट एज द विटामिन डी इज मेड बाय स्किन व्हेन द बॉडी एक्सपोज टू सनलाइट। सनलाइट में क्यों जाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जो बॉडी है वो सनलाइट से मिलकर क्या बनाती है, विटामिन डी तैयार करती है, और विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट, वाई इज द कैल्शियम इंपॉर्टेंट टू द बॉडी। कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, तो कैल्शियम हमारे टीथ और टीथ प्लस बोन्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है, इट मेक्स अवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्गर। इज दैट क्लियर, मूव करें। तो ये है हमारे और लॉन्ग आंसर, कुछ और बड़े आंसर्स के बारे में बात करते हैं कि और ज्यादा बड़ा आंसर अगर आता है तो क्या करेंगे। पहला, वॉट डज द बॉडी नीड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर। वाटर की सप्लाई हमारी बॉडी में क्यों जरूरी होता है, क्यों हमें पानी पीना ज्यादा जरूरी है।
तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हमारी बॉडी का जो 70% पार्ट है वो किससे बना हुआ है, पानी से बना हुआ है। इसलिए हमें पानी को क्या करना चाहिए, रेगुलर सप्लाई है, पानी को रेगुलरली पीना चाहिए। तो पानी से क्या क्या होता है देखो, पहला तो ये डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, इट हेल्प इन डाइजेशन। दूसरा हमारी बॉडी को क्लीन करता है यूरिन के फॉर्म में, ठीक है, यूरिन या वॉशरूम जाते हैं तो उससे क्या होता है, जो बॉडी है उसका बहुत सारा वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। अगर वो नहीं जाएगा तो इससे हमें डेथ भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा बीमार हम हो सकते हैं। इसके बाद है, इट इज़ अ मेजर इम्पॉर्टेंट टू कंपोनेंट ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी में 70% वाटर है तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द विटामिन ए बी ए सी एंड डी। हमें ए विटामिन सी और विटामिन डी के बारे में बताना है, क्या है, प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है, एक बार जाके उसे देखो, ठीक है, कि क्या होता है। यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ से आप प्रीवियस वीडियो पे जा सकते हैं क्लिक करके। देखो तो विटामिन ए कीप आइज एंड स्किन हेल्दी। पहला तो ये हमारे क्या करता है, आइज और स्किन को हेल्दी रखता है। सोर्सेस दिए गए हैं कैरेट, पम्पकिन, ग्रेप। विटामिन सी हमारे गम्स और स्किन को हेल्दी रखता है, और इसको कहाँ से मिल सकता है, हमें लेमन ऑरेंजेस से मिल सकता है। विटामिन डी हमारी बोन्स को, टीथ को स्ट्रांग बनाता है और हमें हेल्दी रखता है, तो ये हमें फिश कॉड लिवर से मिल सकता है, फिश कॉड लिवर ऑयल और सनलाइट से मिल सकता है। सबसे अच्छा तो सनलाइट सोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्री का सोर्स। थर्ड है हमारे पास, राइट द पैसेज ऑन द बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के बारे में अभी अपन बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, है ना। बैलेंस डाइट क्या होता है, जिसमें प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है, बैलेंस डाइट कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो क्या होगा, तो बैलेंस डाइट ना लेने की वजह से या तो हम ओवर वेट हो सकते हैं, या फिर अंडर वेट हो सकते हैं, या फिर माल न्यूट्रिशन के शिकार हो सकते हैं, और कई सारी डिसीजेज भी हमें हो सकती है। इतनी सारी डिसीजेज पड़ी, अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो इनमें से कुछ भी हमें हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ आर द फॉलोइंग मिनरल यूजफुल टू फूड। ये सारे मिनरल्स फूड में क्यों जरूरी होते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं कैल्शियम। तो कैल्शियम हमें पता है, अगर ये क्या करते हैं, हमारे बोन्स और टूथ को स्ट्रांग बनाते हैं, तो ये आ गया बोन्स एंड टीथ स्ट्रांग। नेक्स्ट आयरन। आयरन क्या करता है, रेड ब्लड सेल को बनाने में हेल्प करता है, इसलिए आयरन जरूरी है। पोटेशियम क्या करता है, पहले तो ये हमारे मसल और ब्रेन को हेल्दी रखता है, साथ में हमारी बॉडी के वाटर लेवल को भी मेंटेन करता है। दो काम करता है, पहले तो हमारे ब्रेन को अच्छा बनाता है, पावरफुल बनाता है, सेकेंड हमारे अंदर जो पानी है उसका लेवल कम या ज़्यादा ना हो जाए वो इसको भी ध्यान में रखता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है नेक्स्ट आयोडीन। तो आयोडीन क्या करता है, आयोडीन हमारे ग्रोथ के लिए जरूरत होता है, साथ में इसकी डिफिशियंसी की वजह से हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो बढ़ने लगता है और गोट्रे हो जाता है, ठीक है ना, गोट्रे भी हो जाता है। तो आयोडीन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, लिस्ट थ्री कुकिंग प्रैक्टिस दैट लीड टू बी लेस न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द फूड। अब हमें क्या करना है, ऐसी प्रैक्टिस बतानी है जिससे हमारे, ऐसी कुकिंग हैबिट्स बताने जिससे न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड से ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। हम जब खाना पकाते हैं, अगर हम उसमें पता कुछ चीज़ों की सावधानी नहीं रखें अगर खाना बनाते समय, तो उससे हमारे न्यूट्रिएंट्स जो फूड में अवेलेबल थे वो कम हो जाते हैं, लॉस हो जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी प्रैक्टिस हैं जो नहीं करनी चाहिए, पहला ओवर हीटिंग, ओवर बॉइलिंग, खाने को ना ज़्यादा गर्म करें। ओवर हीट का मतलब ऐसा नहीं कि पकाएं ही ना, पकाते हैं लेकिन पकाने के बाद ऐसा नहीं कि अपन ने पका दिया उसके बाद कुछ 2-3 घंटे 4 घंटे हमने क्या किया उसको छोड़ दिया और फिर पकने रख दिया, ऐसा नहीं। एक प्रॉपर मात्रा में उसको पकाया जाए, बार बार उसको गर्म ना किया जाए, तो वो खाने की जो विटामिन और प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स है वो बने रहते हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं जब खाना बन रहा हो, सब लोग बैठे हैं खाने, तब जाके तुरंत खाना खा लो, क्योंकि ज़्यादा टाइम रहेगा आपके लिए फिर से गर्म करना पड़ेगा, और जितने बार वो गर्म होगा उतने बार उसके न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, कम होते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है रिपीटिव वॉशिंग ऑफ द पल्स राइसेस। राइस पल्स की अगर ज़्यादा वॉशिंग की जाए, रिपीटेड वॉशिंग की जाए, तो भी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए क्या होता है, जब घर में आता है तो एक बार वॉश होके वो रख जाता है पैक करके, उसके बाद जब यूज़ करते हैं तब उसको एक और बार वॉश करते हैं, दो बार। अगर हम सोचें कि हम उसको बार बार वॉश करके यूज करें तो उससे भी न्यूट्रिएंट्स उसके क्या होते हैं, कम होते जाते हैं। एक्सेस वाटर शुड बी ड्रेन। अगर हम खाने में से एक्सेस वाटर को ड्रेन कर दें, पहले तो खाने में लिमिटेड वाटर डालते हैं हम, मान लो किसी टाइम पे ज़्यादा हो गया तो हम उसको निकाल के फेंकते नहीं हैं, उस पानी को ऐसा नहीं कि हमने निकाला और फेंक दिया कि बहुत गीली हो गई, बहुत पानी हो गया, नहीं। क्यों नहीं फेंकना है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उस वाटर में मिक्स हो चुके हैं। अब अगर आप वो पानी फेंक दोगे, वो एक्सेस वाटर फेंक दोगे,
तो उससे न्यूट्रिएंट्स भी क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। इससे बेटर है उस पानी को पी के हम क्या कर दें, उसमें से कम कर दें, है ना। बाकी की सब्जी हम टेस्ट कर सकते हैं, इससे कम से कम न्यूट्रिएंट्स तो हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट, हाउ इज मिल्क कंप्लीट फूड? मिल्क एक कंप्लीट फूड क्यों कहा जाता है? मिल्क, मिल्क की बातें बहुत चलती हैं घर में। दूध पियो, सुबह से दूध पियो, सुबह से दूध पियो, शाम को दूध पियो, रात को दूध क्यों पियो? आखिर ऐसा क्या है उसमें? देखो, मिल्क कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन। एक मिल्क में ये सब चीजें आ गई जितनी हमें न्यूट्रिएंट्स में जरूरत थी। कैल्शियम भी मिल गया, विटामिन्स भी मिल गया, ठीक है, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल गए, प्रोटीन्स भी मिल गए, इतनी सारी चीजें हमें मिल्क में मिल जाती हैं। इसीलिए हमसे क्या कहा जाता है, मिल्क पियो। खासकर जब हम ग्रोथ कर रहे हैं, बच्चे हैं ना, तो हमें और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम तो और ज्यादा काम करते हैं, है ना। बड़े लोगों से भी ज्यादा काम करते हैं, पूरे घर में हल्ला कौन देगा अगर हम बीमार हैं तो, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि मिल्क प्योर, इसी की वजह से मिल्क को क्या कहा जाता है, एक कंप्लीट फूड। मिल्क को क्या कहेंगे हम, अ कंप्लीट फूड। यहाँ पे एक फनी सी इमेज देख पा रहे होंगे, ये इमेज क्या है देखो, यहाँ पे जो सन है वो इस पर्सन से कह रहा है, दिन भर आप कंप्यूटर गेम खेलते हो, बाहर निकलो और सनलाइट में आओ, जिससे आपको क्या मिल सके, विटामिन डी मिल सके। ये क्या है, एक फ्री सोर्स है और आप आके ले सकते हो। वहीं उसके पास सी फूड भी बैठा हुआ है, सी फूड कह रहा है हम तो उसे दे रहे हैं विटामिन डी सोर्स के तौर पे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो यहाँ से विटामिन डी मिल तो रहा है, लेकिन अगर हम राइट सोर्स में नहीं आएंगे, हम सन के सामने नहीं आएंगे, सन हमें नहीं दिखेगा, तो हमारी जो स्किन है ना, उसमें कई सारे डिसीजेस के जो बैक्टीरियाज हैं वो पैदा होने लगते हैं हमारी स्किन पे भी, और सन की हीट की वजह से वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बाहर भी निकलना चाहिए। सुबह की धूप बहुत अच्छी होती है, अभी तो सभी घर पे बैठे हो, तो जाओ ऊपर, धूप सुबह की लो, सुबह की, दोपहर में मत पहुंच जाना खेलने के लिए, ठीक है, कि सर ने कहा था दोपहर की धूप ले लो, सुबह की, ठीक है। तो हमने जो दोनों वीडियो में पढ़ा वो ये रहा, इतना मटेरियल हमने दोनों वीडियो को मिक्स करके पढ़ा। पहला फूड, फूड में क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट, ठीक है। अगर इन सब की कमी होती है तो क्या हो जाता है, डिफिशियंसी या फिर माल न्यूट्रिशन, इनकी कमी की वजह से होता है। तो माल न्यूट्रिशन होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन की कमी की वजह से, और डेफिशिएंसी डिसीजेस किसकी वजह से होती हैं, मिनरल्स एंड विटामिन्स की वजह से। डिफिशिएंसी डिसीजेस कौन कौन सी पड़ी, तो हमने पढ़ी नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, स्कर्वी, एनीमिया एंड द गोट्री, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और इसे शेयर करो। साथ में यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, यहाँ से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस साइड पे आपके मैथ साइंस की पड़ी हुई है पूरी प्लेलिस्ट, आप साइंस के टॉपिक अलग अलग देख सकते हो, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, और ये आपके मैथ की है, मैंने मैथ की जितनी वीडियोस डाली हैं आप इस प्लेलिस्ट से देख सकते हो। सो थैंक यू।